हेलो गाइस, टेलीकॉम कंपनी ने एक न्यू वेबसाइट को लॉन्च किया है जो कि आप उससे पता कर सकें कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड चालू है और आप घर बैठे ही आप उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से उसका वेबसाइट है और विंडो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा आप लोग के सामने। तो यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर जो आपका आधार लिंक से आपने जो मोबाइल नंबर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है और ओटीपी आपको डाल देना है। तो आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। तो आप इस साइट को आप कैसे ओपन कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सरकारी योजना को आपको सर्च कर लेना, फिर वही प्रोसेस फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कीजिए, सीएससी डिजिटल जो सेवा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना सारा भी ये सर्विस है वो सब अभी लागू है, तो सबका आप लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेलीकॉम का एक 74 नंबर का जो लिंक है आपको क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। आप क्लिक हेयर पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा, रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो हमने मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी को यहाँ पे हमें डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वैलिड डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो ये हमारा एक ठो मोबाइल नंबर जो था, एक हमारा फ्रेंड फ्रेंड का है, तो ये जो एक ही सिम कार्ड लिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप दो सिम कार्ड लिए हुए रहते तो एक नंबर आपका यहाँ पे शो करता, दूसरा यहाँ पे शो करता, अगर ज़्यादा रहता तो उसके नीचे सारे शो करते ही जाते। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसे हमें बंद करना है, यहाँ से आपको टिकआउट कर देना है जो भी सिम कार्ड को आपको बंद करना है। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप एक बार अपने घर में आप पता कर लें कि आप सिम कार्ड खरीद के अपने रिलेशन में अपने घर में तो नहीं दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप रिपोर्ट कीजिएगा तो ये डायरेक्ट आपका बंद हो जाएगा। यहाँ से आपको टिकआउट कर देना है। टिकआउट करने के बाद यहाँ से रिपोर्ट का ऑप्शन है, आप रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के बाद ये आपका जो सिम रहेगा वो बंद हो जाएगा पूरी तरह से, ना तो उस पर कॉल आएगा ना तो कुछ, पूरा ये नंबर ही बंद हो जाएगा पूरा। ठीक है, और आगे का जो भी इसका प्रोसेस है, सीरियल नंबर वगैरह ट्रैकिंग, ये आगे का प्रोसेस हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी ये शुरू नहीं हुआ है, केवल मीनू ही यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।